भारत अमर सपूतों का देश है। जब जब दुश्मन ने अपने नापाक कदमों को आगे बढ़ाया है, तब तब देश के वीरों ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो ये जाबाज पीछे नहीं हटे। आज ऐसे ही एक वीर सपूत की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वो अरुणाचल के एक छोटे से गांव बोरदरिया में जन्मे थे। माँ बाप ने नाम रखा हंगपन। उनके करीबी याद करते हैं और कहते हैं कि वो बचपन में बहुत शरारती थे। उनके नटखटपन से कुछ लोग परेशान रहते तो कुछ लोग इससे खुश भी रहते थे। गांव की जमीन पर नंगे पांव दौड़ने वाले दादा की बहादुरी के किस्से भी आसपास के इलाके में मशहूर थे। यहां उनके बचपन के किस्से का जिक्र जरूरी है। एक बार वो और उनका दोस्त नदी के किनारे खेलने गए थे। इसी दौरान अचानक दादा का दोस्त सोमहंग नदी की लहरों की चपेट में आ गया और डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबता देख दादा ने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और इस तरह सोमहंग की जान बचा पाई थी। इस घटना के बाद तो दादा स्टार बन गए। उनकी शरारतों से परेशान रहने लगे वाले लोग भी कहने लगे, लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। इसके बाद दादा जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी शारीरिक कसरत बढ़ती गई। वो सुबह सवेरे रोज कई किलोमीटर की दौड़ पर जाने लगे। उनकी आंखों में सेना में भर्ती होने का सपना देखा जा सकता था। जल्द ही वो सपना पूरा भी हुआ और वो दिन भी आ गया जिसका दादा को लंबे अरसे से इंतजार था। 1997 में वो असम के खोंसा में होने वाली सेना भर्ती में शामिल हुए और चयनित भी हुए। वो सेना का हिस्सा बनने पर बहुत खुश थे। उन्हें गर्व था कि ईश्वर ने उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका दिया था। अपनी ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर में पूरी करने के बाद 2005 तक वो यहीं पर तैनात रहे। इसके बाद उन्हें असम रेजिमेंटल सेंटर में भेज दिया गया था। दादा ने यहां भी अपनी बहादुरी का जलवा कायम रखा और हथियारों के ट्रेनर बनकर असम की मूल बटालियन पहुंचने में कामयाब रहे थे। इसके बाद वो बैरकपुर, कारगिल, लखनऊ और मणिपुर होते हुए 2016 में कश्मीर की 35 राष्ट्रीय राइफल्स में पहुंचे थे। मई के महीने में दादा अपने साथियों के साथ सीमा पर चौकसी पर थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से एक इनपुट मिलता है कि कश्मीर के नौगांव क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए 8 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की गई। हवलदार हंगपन दादा को इस टीम का लीडर चुना गया। देर न करते हुए दादा पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों से दो दो हाथ करने के लिए निकल पड़े। आतंकवादी 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थे, इसलिए ये काम आसान नहीं था, मगर दादा पहाड़ पर चढ़ने में माहिर थे। शायद इसीलिए उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था। दादा ने अपने अफसरों के भरोसे को कायम रखा और जल्द ही अपने साथियों के साथ ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। दुश्मन दादा की टीम से महज कुछ ही दूरी पर थे, पर दादा ने जल्दबाजी न करते हुए सबसे पहले दुश्मन के भागने के रास्ते को सील कर दिया। इसी बीच दुश्मनों को आहट हो गई कि भारतीय सेना के रणबांकुरे उन तक पहुंच गए हैं। रास्ते सील होने के कारण वो भाग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पत्थरों के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। पत्थर के पीछे छुपे होने के कारण दुश्मन की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो हंगपन दादा ने ऐसे में समझदारी दिखाई और थोड़ा सा वक्त लेते हुए दुश्मन को चित करने के लिए रणनीति तैयार की। रणनीति के तहत दादा को आगे जाना था और साथियों को उनको कवर देना था। दादा आगे बढ़े और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच उनके नजदीकी पहुंचने में कामयाब रहे। फिर वही हुआ जिसका सेना को उम्मीद थी। कुछ देर चली मुठभेड़ में ही दादा ने लगातार एक के बाद एक 3 आतंकियों को मार गिराया था और एक को सामने की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे बाद में दादा के साथियों ने मार गिराया था। दादा के साथी जब उनके पास पहुंचे तो दादा खून से लथपथ थे। उनको कई गोलियां लगी थी। वो अपने साथियों के बीच अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जीवन की इस आखिरी घड़ी में भी दादा की आंखों में चमक थी, वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की। उन्हें देश के लिए बलिदान होने पर फक्र था। वो अंतिम समय में साथियों से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था और उन्होंने साथियों की गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। दादा का पार्थिव शरीर घर लौटा तो उनके परिवार के साथ साथ सारे देश की आंखें नम थी। उनके गांव का नजारा तो कुछ ऐसा था जैसे वहां का सब कुछ किसी आपदा में बह गया हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब दादा के सम्मान में खड़े थे। दादा के शब्द से लिपटकर लोग फूट फूट कर रो रहे थे।
दादा के जाने का गम सभी को था, लेकिन उन्हें दादा पर गुमान भी था क्योंकि उनका अहंगपन देश पर बलिदान होकर अमर हो चुका था। दादा के बलिदान को करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके गांव में उनकी वीरता के किस्से लोगों की जुबान पर रहते हैं। अक्सर लोग उनके बचपन की शरारतों को याद कर लेते हैं। उनके गांव के हर पिता का सपना है कि उनका बेटा हंगपन दादा की तरह बने। हवलदार हंगपन दादा के अदम्य साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत 2017 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। 26 जनवरी 2017 के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनकी पत्नी चाचेन लोवांग दादा को यह सम्मान दिया था। यही नहीं, दादा की शहादत की याद में असम रेजिमेंटल सेंटर ने अपने मुख्य ऑफिस का नाम भी हंगपन दादा रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश भी राज्य में उनके नाम पर फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। वाकई धन्य है ये धरा हवलदार हंगपन दादा जैसे लाल को पाकर। ये रणबांकुरे अपनी वीरता, देश प्रेम और निडरता को प्रमाणित करता है। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले इस अमर सपूत को शिवालिक जर्नल भी शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।